किशोर जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला किशोर जगत। किशोर जगत में आज का विषय है भूगोल। क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर नदियां हैं पहाड़ हैं जंगल है और जंगल में मोर। क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर घर है सड़क है भीड़ है और है भीड़ का शोर। क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक वार्ता। शीर्षक है भूगोल का कार्यक्षेत्र। भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी है, जिसका साहित्यिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन, ज्यो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन है। इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थेनिस नामक यूनानी विद्वान ने किया था, जो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नगर में 276 से 192 ईसा पूर्व रहते थे। इससे यह स्पष्ट है कि पुराने समय में भूगोल की संकल्पना किस प्रकार की गई थी। पराज भूगोल केवल पृथ्वी के वर्णन तक सीमित नहीं है, इसने अब विज्ञान का पद ग्रहण कर लिया है, जो भूपृष्ठ यानी भूमि पर विभिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों की व्यवस्था की व्याख्या करता है। भूगोल को प्रायः समस्त विज्ञानों की जननी कहा जाता है। इसमें कुछ सत्य अवश्य है। मानव को सभ्य जीवन के आरंभिक चरणों में सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ा। प्रकृति के प्रति मानव की जिज्ञासा सर्वाधिक थी। बहुधा प्रकृति का मानवीकरण किया गया और मानव जीवन को प्रभावित करने के आधार पर इसके तत्वों को देवी देवताओं, दानवों तथा बुरी आत्माओं के रूप में प्रदर्शित किया गया। मानव प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं में बंधा था, क्योंकि प्रकृति सर्वशक्तिमान थी और इसे नियंत्रित करने के तकनीकी साधन पुरातन और कमजोर थे। अतः मानव ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ रहना सीखा। उसने प्रकृति के आदेशों के विरुद्ध जाने का प्रयास भी नहीं किया। उसने प्रकृति के साथ सहयोग किया और इसका एक अंग बन गया। पशुओं और पौधों को पालतू बनाने की प्रक्रिया ने मानव जीवन में
महान परिवर्तन की शुरुआत की। इसकी परिणति कृषि क्रांति के रूप में हुई, जो 18वीं शताब्दी तक यूरोप में और 19वीं शताब्दी तक एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में चली। जैसे जैसे मानव के सांस्कृतिक आधार का विस्तार हुआ, उसका प्रकृति के साथ संबंध अधीनता से सहयोग के रूप में बदल गया। उसके साधनों तथा तकनीक में सुधार के साथ साथ ज्ञान भंडार में वृद्धि हुई। 17वीं शताब्दी तक प्रकृति के बंधनों को तोड़कर मानव ने अपने लाभ के लिए इसे नियंत्रित करने का साहस दिखाया। उसने विभिन्न प्रकार के यांत्रिक एवं रासायनिक तरीके विकसित करके एक व्यापक परिवर्तन लाने की शुरुआत की, जिसे सामान्यतः औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे समस्त विश्व में फैलने में लगभग 3 शताब्दी अर्थात 18वीं से 20वीं शताब्दी तक का समय लगा। औद्योगिक क्रांति की ताकत एक ओर वैज्ञानिक अनुसंधान थी, तो दूसरी ओर यूरोप द्वारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका की विरल आबादी वाली समृद्ध भूमि तथा एशिया की अत्यधिक विकसित संस्कृति तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज थी। आपसी आदान प्रदान के बढ़ने के साथ महाद्वीपों और महासागरों, पर्वतों एवं मैदानों, नदियों व झीलों तथा लोगों और स्थानों का ज्ञान कई गुना बढ़ा। मानचित्रों और चार्ट्स बनाने के लिए दूरी, दिशा, ऊंचाई तथा गहराई का मापन और सांस्कृतिक लक्षणों की विस्तृत जानकारी की आवश्यकता हुई। भूगोल वास्तव में विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा। लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आया और वे प्राकृतिक तथा मानवीय घटनाओं का प्रस्तुतीकरण पौराणिक से हटकर वैज्ञानिक ढंग से करने लगे। एक बार वैज्ञानिक पूछताछ की प्रवृत्ति जागृत हुई और विश्व के बारे में और अधिक सूचनाएं मिलने लगी। तब विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों को जन्म देने वाली प्रक्रियाओं के गहन विश्लेषण करने की इच्छा भी बढ़ी। इससे विशिष्टीकरण की आवश्यकता हुई, जिसने अंततः भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जैव विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि जैसे क्रमबद्ध विषयों को जन्म दिया। ये सभी विषय पहले सम्मिलित रूप से भूगोल विषय के ही भाग थे। आज सैकड़ों विषय तथा उपविषय हैं जो प्रकृति तथा मानवीय आचरण के रहस्यों को खोलने के प्रयास में जुटे हैं। भूगोल सहयोगी विशिष्ट विषयों से
प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बल्कि स्वयं सूचनाएं प्राप्त करने के अलावा अन्य विषयों द्वारा प्राप्त ज्ञान को संसाधित करके सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन करता है, जिनसे भूपृष्ठ पर निरंतर घटने वाले परिवर्तनों की व्याख्या की जा सके। इसीलिए भूगोल सही अर्थ में विश्व स्तर से स्थानीय स्तर तथा विभिन्न कालों, प्राचीन काल से भविष्य तक में होने वाले स्थानिक परिवर्तनों को समझने में लगा हुआ है। किशोर जगत इस श्रृंखला में अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम मार्गदर्शन प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्रा, आलेख एमएन कॉल तथा आरके गंजू, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर संजय कुमार, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।